नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसटी कैंपस में। दोस्तों, मैं हूं ज्योति शर्मा और जैसा कि आपको पता है कि 22 दिसंबर को हमारा यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन कुछ कारणवश ये हमारा एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब जो भी नई डेट आएगी तब भी हम आपको बता देंगे कि कब हमारा एग्ज़ाम जो है यूपी टेट का होगा। यूपी टेट की तैयारी के लिए मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो कि हमारे प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम है उनसे क्वेश्चन है, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं, यह किसने कहा? ऑप्शन ए रॉस, ऑप्शन बी एबिंगहॉस, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी एम एल बिगी। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन बी, यानी एबिंगहॉस। और एबिंगहॉस है जिन्होंने जो सीखने में पठार की बात कही गई है, वो भी एबिंगहॉस ने ही कहा है। और सीखने में पठार से तात्पर्य है कि जो सीखने के द्वारा जो ठहराव होता है, यानी कि जो हमारी प्रगति होती है वो रुक जाती है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अभ्यास का नियम, ऑप्शन बी प्रभाव का नियम, ऑप्शन सी सहचर्यात्मकता का नियम, ऑप्शन डी तत्परता का नियम। दोस्तों, इसका आंसर है सहचर्यात्मकता का नियम। फ्रेंड्स, थॉर्नडाइक ने जो है प्राइमरी लॉज जो है वो दिए हैं, उसके अंदर आपका अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम, ये आपके प्राथमिक नियम है। और जो ये सहचर्यात्मकता का नियम है, ये उसके गौण नियम है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन ए व्यवहार, ऑप्शन बी चिंतन, ऑप्शन सी तर्क, ऑप्शन डी अभिप्रेरणा। दोस्तों, इसका आंसर है व्यवहार, यानी जो कंडीशनिंग वगैरह है वो हमारे व्यवहार पर ही बल देता है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंधन, ऑप्शन बी समीपस्थ अनुबंधन, ऑप्शन सी चिन्ह अनुबंधन, ऑप्शन डी प्राचीन अनुबंधन। दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए नैमित्तिक अनुबंधन, जिसको ऑपरेंट कंडीशनिंग कहा जाता है इंग्लिश में, और इसके जो फादर है वो है स्किनर। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोहलर के अनुसार सीखना क्या है? ए एक स्वायत्त क्रिया है, बी एक संज्ञानात्मक प्रकार्य है, सी एक ऐसी स्थिति है जिसमें पशु श्रेष्ठ है, डी परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर है डी। दोस्तों, अगर आपको मैंने क्लास में अगर पढ़ाया हुआ है, अगर आपको याद होगा, कोहलर के अनुसार व्यक्ति पहले सारी स्थिति को देखता है और उसके अनुसार जो है समस्या का समाधान वो करता है। दोस्तों, ये थे हमारे पिछले ईयर यानी 2018 के प्रश्न पत्र से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार अपनी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं जो भी हमारे यूपी टेट से संबंधित प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे, मैं आपके सामने लेकर के प्रस्तुत रहूंगी। तब तक के लिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिए। धन्यवाद।